और आखिरकार तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को पटना से लेकर चेन्नई पहुंची गई। चेन्नई एयरपोर्ट पर मनीष कश्यप को तमिलनाडु की पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने मनीष कश्यप के हाथों को जोर से पकड़ रखा था, मानो मनीष कश्यप एक बड़ा अपराधी हो, कहीं भाग ना जाए। मनीष कश्यप चारों तरफ देख रहा था, पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर जा रहे थे। तमिल में कुछ बातें हो रही थी। मनीष कश्यप को वहां मौजूद पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया और पुलिस गाड़ी वहां से आगे की तरफ बढ़ गई। वहां मौजूद लोग भी मनीष कश्यप को देख रहे थे। दरअसल पटना से ट्रांजिट पर मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ लेकर तमिलनाडु गई है। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर क्या हुआ वो भी देख लीजिए। सबसे पहले मनीष कश्यप को एक गाड़ी में पटना एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट पर मनीष कश्यप जैसे ही पहुंचा, पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपको अपनी गलती का एहसास है। सुनिए मनीष कश्यप ने इस पर क्या जवाब दिया है। क्या कहेंगे, तमिलनाडु पुलिस आपको लेके जा रही है? भरोसा है तमिलनाडु पुलिस पे और अपने लोगों पे भी भरोसा है। क्या संदेश देंगे? बदलेगा बिहार, आज नहीं तो कल जरूर बदलेगा। क्या लगता है कि आप थोड़ा सैड हो जाइए? बिहार आज नहीं तो कल बदलेगा जरूर, इतना भरोसा है, जरूर बदलेगा। और तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है, बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया है। और ये ट्रांजिट रिमांड जो है, भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा किया गया है। लड़ाई बिहार के मजदूरों के लिए सबको जीत रहा है, किसी भी हाल में तब हमारा बिहार बदलेगा, वरना दूसरे राज्य में हम जाके धक्के खाते रहेंगे। हमारे बिहार के नेता दोषी हैं, बिहार को बर्बादी। क्या आपको फंसाया जा रहा है पॉलिटिकली, आपने आरोप लगाया है? भरोसा है क्या? आपने फर्जी वीडियो वायरल किया है? नहीं, गलत बात है। आप मेरा सारा वीडियो यूट्यूब पे है, जाके देख सकते हैं। मैंने बोला है कि बिहार के मजदूरों को दिक्कत होता है और ये सच्चाई आपको भी। तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है? पीछे हटिए।